Hey guys, welcome back to a new video. And guys, today I'm gonna provide you the best beta version of GTA 5 and best unique version. So guys, ये जो beta version होने वाला है, ये इतना ज़्यादा unique और इतना ज़्यादा relate करने वाला है आपके GTA 5 से, जी हाँ. और आपको बहुत ही ज़्यादा attractive ये वाला modpack जो है, beta version जो है लगने वाला है. ये modpack नहीं है, ये कोई आपका किसी भी तरीके का modpack नहीं है, ये एक पूरा का पूरा beta version है. और इस beta version के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, वो मैं अभी आपको सबके सब चीजें जो आगे जाके बताने वाला हूँ. पूरा का पूरा जो बीटा वर्जन है वो अभी रिवील होने वाला है. एंड आप आई नो कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे इस बीटा वर्जन को देखने के लिए, तो यार वीडियो में बने रहो. और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो न्यू व्यूवर्स आ रहे हैं हमारे चैनल पे, डेली मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ आई नो, क्योंकि आपको पता है कि अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, उस वजह से जो है रेगुलर वीडियोस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. लेकिन हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन में वीडियोस जरूर डाल रहा हूँ, यानी कि वीक में 30,000 वीडियोस मैं डाल ही रहा हूँ, ठीक है. एक और बात मैं कहना चाहता था कि रेगुलर व्यूवर्स जब आते हैं तो यार सब्सक्राइब नहीं करते वो, तो मेरा कहना यही है कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर ऑल पे करो जो भी नए व्यूवर्स हैं. आई नो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, क्योंकि ये चीज़ हर वीडियो में मैं कहता हूँ, लेकिन यार ये चीज़ आप करते ही नहीं हो, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं हर वीडियो का जो एनालिसिस है उसको चेक करता रहता हूँ. एंड मुझे ये देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो न्यू व्यूवर्स आते हैं, जो यूनिक व्यूवर्स होते हैं, वो सब्सक्राइब करते ही नहीं है ना, बेल नोटिफिकेशन को ना कुछ भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, बिल्कुल लाइक भी नहीं छोड़ते वीडियो पे, एंड यार कुछ भी नहीं करते. तो इस तरीके से मोटिवेशन नहीं मिलता और नई वीडियोस बनाने की भी इच्छा नहीं होती, कि यार लोग आप सपोर्ट नहीं कर रहे. दैट्स व्हाई कि आप लोग सपोर्ट करिए. एंड एक और बात, इस चैनल को विजिट करिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है बहुत सारी वीडियोस जो है हो चुकी है अब GTA San Andreas के मोड से रिलेटेड, या फिर GTA 5 के बेटा वर्जन से रिलेटेड. आप जो है आपका मन पसंदीदा जो भी आपका मोड है, मोड पैक है GTA San Andreas का, या फिर GTA 5 का बेटा वर्जन है, या फिर GTA 4 के बेटा वर्जन है, या फिर GTA 5 के PC मोड्स है, वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे. सो अगर आप चाहते हो कि आपका एक फेवरेट मोड आप इंस्टॉल करना चाहो अपने GTA San Andreas के अंदर, GTA Vice City के अंदर, GTA 3 के अंदर, या फिर अपना कोई एक बीटा वर्जन हो गया, तो आप जो है मेरा चैनल चेक कर सकते हो. चैनल चेक करने के बाद आप जो है मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें आपको जो है बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी. एंड गाइज, अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ आपके बीटा वर्जन से. सो गाइज लेट्स गो. ये जो बीटा वर्जन है आपका स्टार्ट होते वक्त ऐसा दिखता है, लेकिन हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कोई चीज़ करनी पड़ेगी, वो देख लो. देन गाइज, आप जैसे स्टार्ट करते हो ना, आपको देखो ये ब्लैक स्क्रीन शो करेगा. आपको जो आप ये मैप का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है, और नीचे आपको पोस्ट प्रोसेसिंग जो है उसको ऑफ कर देना है, ठीक है. पोस्ट प्रोसेसिंग को ऑफ करने के बाद आपको जो गेम है वो ओपन हो जाएगा. एंड गाइज सी, दिस इज द बेस्ट बीटा वर्जन मेड बाय ऑन बजट, एंड द गेम ऑन बजट इज वेरी ऑसम. इतना बेहतरीन जो मोडपैक है, मैं मोडपैक क्यों बोलता हूँ बार बार, सॉरी, बीटा वर्जन है वो यहाँ पे क्रिएट किया है. एंड इतना ज्यादा रियलिस्टिक, इतना ज्यादा GTA 5 से रिलेट करने वाला जो मोडपैक है ये होने वाला है, जहाँ पे आपको दो फ्रैंकलिन की प्राइमरी कार देखने के लिए मिलने वाली है, एंड एक रैंडम स्पोर्ट्स कार आपको देखने के लिए मिलेगी इस मैप के अंदर. एंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फुल मैप इस बीटा वर्जन का. इसका जो डेवलपर है वो क्लेम करता है कि आपको इसमें पूरा पूरा मैप देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सर्वाइव किया हूँ, मुझे पता है कुछ कुछ जगह पे आपको कुछ कुछ जो जगह है वो डेवलप नहीं दिखेगी, तो कुछ कुछ जगह जो होगी वो आपकी डेवलप्ड होगी, तो आप अच्छे से वहाँ पे जो है खेल सकते हो, गेम को एंजॉय कर सकते हो. एंड एक और बात ही कहना चाहूँगा कि ये जो गेम है यार बहुत ज़्यादा हाई एंड डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट करता है. मींस ये है कि इसको चलाने के लिए ना आप जितना हो सके लो कर दो अपने सेटिंग्स को, व्यू डिस्टेंस को लो कर दो. देखो मैंने व्यू डिस्टेंस को पूरा बढ़ा दिया है, तो यहाँ पे जो मेरा गेम है वो लैग करने लग गया है, तो आप भी जो इसको कम कर दो. एक और बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाला जो बीटा वर्जन है बहुत ज़्यादा हाई एंड रिक्वायरमेंट जो है ये मांगता है, तो अगर आपका हाई एंड फ़ोन नहीं है, आपका प्रोसेसर अच्छा नहीं है, प्लीज़ इसको इंस्टॉल मत करना, आपका डाटा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा हैवी APK है ये. 400 MB के अराउंड है ये, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन 400 MB के अराउंड है. लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. एंड हाँ, डाउनलोड करने के बाद आप जो मैंने अभी स्टेप बताया वो ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि स्टेप से जो है आपका गेम ऑन होने वाला है, वरना आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी. क्योंकि मेरे को ये वाला चीज़ जो है फेस करने को मिली थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाली चीज़ फॉलो करना ज़रूर भूलना मत, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी ये वाला स्टेप आपको गेम को चलाने के लिए. एंड गेम ऑन बजट को सपोर्ट ज़रूर करिए, क्योंकि उससे जो है ये वाला जो बेसिकली बीटा वर्जन है ये और ज़्यादा डेवलप होगा, एंड जितना डेवलप होगा उतना यार बहुत ही बेहतरीन वाला जो है बीटा वर्जन है ये बन जाएगा. बस एक ही चीज़ मुझे इसमें ख़राब लग रही है कि
बहुत ज़्यादा हाई एंड स्पेक्स ये जो है मांग रहा है। मैंने अपने पीसी में चलाया जी हाँ गाइज, यहाँ पे जो मेरा ब्लू स्टैक है उसके अंदर मैंने चलाया है यहाँ पे, तो उसके अंदर भी जो है ये इतना लैग कर रहा है ना कि मैंने इसको फुल सेटिंग कर दिया, इसकी ब्राइटनेस लो कर दी, इसकी ड्रॉ डिस्टेंस को लो कर दिया, इसकी पोस्ट प्रोसेसिंग को लो कर दिया, शेडोज वगैरह जितने भी रिफ्लेक्शन वगैरह सबको लो कर दिया। तो आपको भी लो करना है ठीक है, लो करने के बाद आपका गेम थोड़ा स्मूथ हो जाएगा एंड मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर इसका कोई नेक्स्ट अपडेट निकल के आता है तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ डेवलपर से कि इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए, इसकी जो रिक्वायरमेंट है फ़ोन की वो थोड़ी कम हो जाए, लो एंड फ़ोन में भी अच्छे से वर्क करे, बस यही रिक्वेस्ट मैं इसके डेवलपर से करना चाहूँगा। तो आई होप कि जो नेक्स्ट अपडेट इसका निकल के आएगा उसमें यार ये वाली चीज़ जो है ज़रूर से हो जाए ताकि सब लोग जो है इसको खेल सके और बहुत ही ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे एक्सपीरियंस ले सके, वो अभी सिर्फ अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। तो गाइस अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार डू कमेंट इन माय वीडियो, आपको नीचे कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पे कमेंट करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली, अगर बात करना चाहते हो पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे अगर नहीं करना चाहते हो तो कमेंट पे कर सकते हो, आपको रिप्लाई दोनों जगह मिल जाएगा क्योंकि मैं दोनों जगह एक्टिव रहता हूँ। एंड जितने भी लोगों ने अभी तक मेरे से क्वेश्चन किया मैंने उनके जो रिप्लाई उनको प्रोवाइड किया, उनके आंसर जो है मैंने उनको प्रोवाइड ज़रूर किया। तो अगर आपको कोई भी इशू होता है आप मुझे कमेंट के अंदर बोलिए, मैं आपका जो रिप्लाई है वो ज़रूर से कर दूंगा। एंड आई होप कि आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सपोर्ट करिए यार, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करिए प्लीज़, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि रेगुलर जो है चैनल की जो रीच है वो डाउन होती जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले मैं वीडियोस रेगुलर डालता था लेकिन अब मैं वीडियोस थोड़ा डालना छोड़ दिया है, मतलब डालता हूँ लेकिन रेगुलर नहीं आ पाती वीडियो, इस वजह से मुझे लग रहा है कि चैनल की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाती जा रही है। एंड अब मैं क्या ही कर सकता हूँ क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं फुल टाइम जो है यूट्यूब पर नहीं लगा रह सकता, लेकिन हाँ मैं जितना हो सकता है मेरे से ट्राई करता हूँ मैं, जब जब मुझे टाइम मिलता है जब जब मैं वीडियो बना दूंगा एंड रेगुलर वीडियोज अपलोड करने की भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। फिलहाल के लिए आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जितना हो सकता है उतना टाइम निकाल के मैं वीडियो ज़रूर बनाता हूँ, आप लोगों के लिए कंटेंट ज़रूर फाइंड करता हूँ, लेकिन जब आप सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करते तो बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलता है एंड उल्टा जो है डीमोटिवेशन फील होता है एंड ऐसा लगता है कि लाइक क्या मतलब वीडियो डालने का जब कोई सपोर्ट नहीं आ रहा एंड लाइक अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। तो यही है कि सपोर्ट करो, कीप सपोर्ट एंड डू लाइक इन दिस वीडियो और सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन। तो यार बेल आइकन कॉल पे करना मत भूलना क्योंकि वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी लोग नहीं करते। तो गाइस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। एंड आपको और कौन सा GTA San Andreas का मोड चाहिए, किस चीज़ को आप पसंद करते हो, कौन सा गेम आपको अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि आप लोगों से जो है मैं कंटेंट को पिकअप कर सकूँ, कंटेंट फाइट कर सकूँ एंड उसके ऊपर वीडियोस ला सकूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।